दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ओल्ड क्वेश्चन, कंप्यूटर की सबसे पुरानी वॉर, इंटेल वर्सेस एएमडी। अभी दोनों के ही लेटेस्ट जनरेशन आउट हुए हैं, दोनों के सीपीयूज, मदरबोर्ड सब कुछ अवेलेबल हुए हैं, सबके प्राइसेस भी अवेलेबल हो गए हैं और स्टेबल हो चुके हैं प्राइसेस, तो अब इस पे बात कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर मुझे अभी सिस्टम बिल्ड करना है, बिल्कुल दोनों कंपनी की लेटेस्ट जनरेशन अवेलेबल है उसके साथ जाना है, लेकिन कन्फ्यूजन है कि किसके साथ जाए। ठीक है, यहाँ पर हम इंटेल वर्सेज एएमडी, जो उनकी सबसे लेटेस्ट जनरेशन है यानी कि एएमडी के 7000 सीरीज के सीपीयूज और इंटेल की 13 जेन, उन दोनों का ही कंपेरिजन कर रहे हैं। अगर दूसरी भी चीज़ें, दूसरी पुरानी जनरेशन भी उसे ऐड करें तो वो एक अलग वीडियो का सब्जेक्ट है, किसी और वीडियो में समझाऊंगा। हो सकता है दूसरा या तीसरा वीडियो मैं बनाऊं जिसमें सारी चीज़ों को कवर करें, लेकिन बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाना चाहते हो, वेट करके बैठे थे कि इंटेल की 13 जेन लॉन्च हो या एएमडी के 7000 सीरीज के सीपीयूज लॉन्च हो, उस पर मैं सिस्टम बनाऊं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जब हम दो पर्टिकुलर सीपीयूज को कंपेयर करते हैं या पूरी लाइनअप को कंपेयर करते हैं, तो दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हम मेजर करते हैं या कंपेयर करते हैं वो है उसका परफॉर्मेंस, उसके बाद आती है उसकी प्राइस, ठीक है, उसके बाद उसका पावर कंजप्शन, हीट प्रोडक्शन, उसके बाद पूरी सिस्टम का कॉस्ट, पूरे प्लेटफॉर्म का कॉस्ट, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आप डिसाइड करना, आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करना, सिर्फ मेरे आंसर के भरोसे मत रहना, लेकिन अपने हिसाब से भी रिसर्च करना और आपके पर्टिकुलर सिनेरियो में जो चीज़ वर्क करती है या जो पर्टिकुलर सीपीयू वर्क करता है उसके साथ जाना, उस कंपनी के साथ जाना। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे बोल दिया कि एएमडी के साथ जाओ, हो सकता है आपके लिए इंटेल बेस्ट हो आपके पर्टिकुलर सिनेरियो में, या मैंने कहा कि इंटेल अच्छा है तो एएमडी आपके सिनेरियो में अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एक आंसर नहीं है कि ये बेस्ट है या ये वर्स्ट है, एज ऑलवेज मैं ये कहता हूँ। ठीक है, तो देखो जहाँ तक बात है प्राइजेस की ना, प्राइजेस का ऐसा होता है कि जब भी ये कंपनियाँ अपने पूरी लाइनअप, जब पूरे नई जनरेशन के सीपीयूज लॉन्च करते हैं, तो वो मैं ऑलवेज देखा, ये मैं 7-8 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट को, तो बिल्कुल पीक पे वो लॉन्च होता है, जो पूरे सारे के सारे सीपीयूज उसकी प्राइस की बात करें तो बिल्कुल पीक प्राइस होती है ना, जो उसकी मैक्सिमम प्राइस उस पर लॉन्च होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्राइजेस ड्रॉप होती रहती है ओवर द टाइम, और जब तक वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाता है या डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पे होता है उस वक्त जब डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये प्राइजेस ड्रॉप क्यों होते हैं, तो उसका भी रीज़न है, हो सकता है उसी कंपनी के, जैसे इंटेल की बात करें, इंटेल ने कोई नई जनरेशन लॉन्च की, उसके बाद दूसरी जनरेशन लॉन्च कर दे इंटेल खुद अपनी नई जनरेशन, तो भी हो सकता है कि उस जनरेशन के प्राइस ड्रॉप हो, या नई जनरेशन लॉन्च ना भी करे तो भी नया लॉट एक सीपीयू का लॉन्च करे, कुछ मॉडिफिकेशन करके या कुछ इंप्रूवमेंट करके, तो भी उसकी प्राइस ड्रॉप हो सकती है, या तो दूसरी कंपनी जैसे एएमडी नए अपने सीपीयूज नई जनरेशन लॉन्च करे तो उसकी वजह से भी प्राइजेस में ड्रॉप आता है, और ये ऑलवेज हमने देखा है, जैसे कि 12 जेन लॉन्च हुई तो उसके बाद 5000 सीरीज के सीपीयूज में प्राइस में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया, जैसे ही 13 जेन आई या अभी ये 7000 सीरीज के सीपीयूज आए तो इंटेल की 12th जेन के प्राइसेस में ड्रॉप आया, तो ये होगा। ठीक है, ऑलवेज, तो जैसे मैंने कहा कि प्राइसेस ड्रॉप होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अभी जो प्राइस है, अभी जो मार्केट चल रहा है, जो परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आपको एक फाइनल आंसर देता हूँ। तो देखिए, अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ही मैटर करता है कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है, तो आपके लिए इंटेल बेस्ट है अभी। ठीक है, इंटेल का परफॉर्मेंस अगर हम बात करें 13600K की, तो उसका जो कंपटीशन है एएमडी में 7600X और 7700X दोनों को ही ये 13600K बीट करता है परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है। अगर हम 13700K की बात करें तो वो 7900X को बीट करता है, और 13900K इंटेल का अभी का सबसे बड़ा सीपीयू वो 7950X को बीट करता है जहाँ तक टेक्निकल परफॉर्मेंस की बात है या सिंथेटिक परफॉर्मेंस की बात है। अगर आपके लिए प्राइस मैटर करता है तो प्राइस में भी इंटेल विन करता है। अभी इंटेल के सीपीयूज, अभी मैं जस्ट प्राइस चेक करके आपको बता रहा हूँ, इंटेल के जो सीपीयूज हैं वो एएमडी के सीपीयूज से सस्ते मिल रहे हैं। अगर हम 13600K की बात करें तो वो 7600X और 7700X दोनों, 7600X से थोड़ा सा ज़्यादा है उसका प्राइस, लेकिन 7700X से डेफिनेटली कम है। अगर हम 13700K की बात करें तो 13700K 7900X से कम है प्राइस में, और परफॉर्मेंस में ज़्यादा है। ऐसे ही 900K है वो 7950X से प्राइस में कम है और परफॉर्मेंस में ज़्यादा है। तो अगर आप एक सस्ता चीज़ ढूंढ रहे हो, मतलब कि कम पैसों में सिस्टम बन जाए और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटेल विन करता है। रही बात मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड में भी मैंने सेम चीज़ देखी है, एएमडी के जो 7000 सीरीज के जो चिपसेट है, मदरबोर्ड है, वो कंपेरेटिवली इंटेल के हिसाब से महंगे हैं। इंटेल के 790 जो वाले जितने भी मैंने देखे वो एएमडी के जो X670 थे उससे सस्ते थे। ठीक है, तो पूरा अगर हम सिस्टम के कॉस्ट को भी कैलकुलेट करें ना, तो भी इंटेल यहाँ पे विन करता है। सीपीयू तो सस्ते हैं ही, मदरबोर्ड भी सस्ते हैं और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, लेकिन एक ही चीज़ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इंटेल को रेकमेंड नहीं कर सकता और
AMD की तरफ जाने के लिए कह रहा हूँ, और बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से ही AMD की साइड जा रहे हैं, वो है उसका पावर कंजप्शन। इंटेल वाले अभी 10 नैनोमीटर पे है, जैसे मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, AMD वाले 5 नैनोमीटर पे है, तो उसकी वजह से भी पावर कंजप्शन में बहुत फ़र्क पड़ता है, और जेन्युइनली ये देखने को मिल रहा है। भले इंटेल विन करता है परफॉर्मेंस के मामले में, लेकिन बात करें हम अगर हम पावर कंजप्शन की, तो AMD डेफिनेटली यहाँ पे विन करता है। तो पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा तो हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। अगर आप इंटेल के साथ जाते हो तो पावर कंजप्शन ओवरऑल, वो CPU ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो हीट भी बहुत सारी प्रोड्यूस करेगा, तो उसके ऊपर आपको एक बीफी बड़ा सा कूलर लगाना पड़ेगा या लिक्विड कूलिंग किट लगानी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, ये जो जितना परफॉर्मेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो परफॉर्मेंस में विन करता है, ये जो कहते हैं ना, वो जब 100% लोड असाइन किया जाता है तब उसका पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ अगर आपके लिए मैटर करती है तो डेफिनेटली आपको AMD के साथ जाना चाहिए। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा कोई गैप नहीं है, मतलब बहुत पहली बार पिछले ऐसा भी हुआ है कि 50% परफॉर्मेंस ज़्यादा है या डबल है परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ नहीं है। 10-20% तक फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में, लेकिन हीट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब इंटेल हीट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पावर कंजप्शन में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेटली, सीधी सी बात है, 10 नैनोमीटर पे है और ये लोग AMD वाले 5 नैनोमीटर पे है, तो उसकी वजह से उसका पावर कंजप्शन और हीट प्रोडक्शन दोनों ही कम है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या मैटर करता है। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है, और सस्ता आप ढूंढ रहे हो कि कम पैसों में अच्छा परफॉर्म करने वाला CPU चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए। अगर आपके लिए पावर कंजप्शन और हीट प्रोडक्शन इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, उसकी तरफ आप देखते नहीं हो, जैसे आज से 5-6-7 साल पहले मैं खुद भी ऐसा यूज़र था कि मैं सेकंड थॉट ही नहीं देता था पावर कंजप्शन को और हीट प्रोडक्शन को। मुझे मतलब, मैं बिल्कुल परफॉर्मेंस लवर हूँ, तो मैं सिर्फ यही देखता था परफॉर्मेंस ज़्यादा है ना, ले लो इसको, ठीक है। और अगर आज 5-6-7 साल पहले अगर मैं CPU परचेस करता तो मैं यही देखता, और यही देख के मैंने AMD का जो 8350 था उसको सिलेक्ट किया था। लेकिन हीट प्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा इश्यू कंसर्न हो सकता है, ठीक है। अभी आप उसको अवॉइड कर दो, इंटेल आपको सस्ते में मिल जाता है, पावर कंजप्शन भी ज़्यादा है, हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, लेकिन परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, ये देख के आप ले लेते हो, तो हो सकता है कि ओवरऑल लॉन्ग रन में वो CPU आपको महंगा पड़े, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, जैसे मैंने कहा, प्राइस है, परफॉर्मेंस है, सिस्टम की कॉस्ट, सब कुछ, और आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या वर्क करता है। ये तो मैंने सारे के सारे CPUs की बात की। मान लो कि आप एक बजट यूज़र हो, तो आप 6 कोर 12 थ्रेड में कोई अच्छा CPU ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है 7600X जो है वो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। हो सकता है आपके लिए 13600K है वो भी बेस्ट हो। अगर आप बिल्कुल हैवी कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए 13700K एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बिल्कुल टॉप एंड CPU परचेज करना चाहते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाला, तो आपको फिर 7950X के साथ भी जाना पड़ सकता है, और 13900K के साथ भी आप जा सकते हो। अब जैसे मैंने बात की प्राइजेज की, तो ये जो प्राइजेज हैं वो और भी अभी ड्रॉप होंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है प्राइजेज चेंज हो जाए कल, मतलब एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में, तो हो सकता है मेरा ओपिनियन भी चेंज हो जाए। प्राइजेज में कुछ ऊपर नीचे होता है, इंटेल महंगा हो जाता है, AMD सस्ता हो जाता है, तो भी यहाँ पे मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि कोई नई जनरेशन के CPUs आ जाए, मतलब इंटेल ही अपने नेक्स्ट लॉट ऑफ CPUs लॉन्च करे या बजट CPUs लॉन्च करे, ठीक है ना, बजट CPUs आने वाले हैं आपको पता है, या तो फिर AMD वाले अपने जो 3DV कैश वाले, जो मतलब ज़्यादा कैश मेमोरी वाले CPUs लॉन्च करेगी, तब भी मार्केट चेंज होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो। अभी सिस्टम बना रहे हो तो मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, आज से एक महीने बाद बना रहे हो तो हो सकता है चैनल पे चेक कर लेना, अपडेट वीडियो भी इसका मैंने बना दिया हो, उस वक्त कहानी कुछ और हो सकती है, उस वक्त मेरा आंसर भी कुछ और हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, एज ऑलवेज अपने हिसाब से भी रिसर्च करो, सारे वीडियोस देखो, सारे आर्टिकल पढ़ो, प्राइस, परफॉर्मेंस सब कुछ चेक करो, और उसके बाद अपने लिए एक अच्छा सिस्टम बनाओ, ठीक है। सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।